खरगोन से है, जहां शहर सहित अंचल में रोजाना हो रही बारिश अब नवजीवन को प्रभावित करने लगी है। बीते सप्ताह में जारी बारिश का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा। सुबह से हुई तेज बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। सनावत रोड, आरटीओ के सामने, सराफा बाजार, बिस्टोन रोड आदि इलाकों में कहीं पर भी पानी की निकासी का इंतजाम नहीं होने से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई थीं। जगह जगह जल जमाव होने से कई सड़कों से आने जाने में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आरटीओ के सामने जमा पानी से पुलिस की जीप भी फंस गई, जिसे राहगीरों ने धक्का लगाकर बाहर किया। बारिश के कारण शहर के मुख्य मार्गों पर नालियों का पानी सड़कों पर आ गया और कई इलाके जलमग्न हो गए। मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गलियां, सड़कें और नालियां भी बरसाती पानी से लबालब भर गईं, जिसके कारण यातायात व्यवस्था भी काफी प्रभावित हुई। स्कूल, ऑफिस, दुकान जाने वालों को रेनकोट, छाते आदि का सहारा लेना पड़ा। जिले में पिछले एक सप्ताह से रुक 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 कर हो रही बारिश से किसान चिंतित नजर आ रहा है। लगभग पक कर तैयार हो चुकी खरीफ फसलों पर बारिश से सड़ने का खतरा मंडराने लगा है। भसनेर निवासी ने बताया कि फसलों को अब धूप की जरूरत है, लेकिन सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हो पा रहे हैं। कस्बे में चल रही बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लग गया। गांव में ज्यादातर किसानों के खेतों में पानी भरने से उनकी उड़द, मूंग, मक्का, मिर्च, कपास तथा सोयाबीन की फसलें सड़ने लगी हैं। उनकी मांग है कि किसानों की खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर बीमा राशि का भुगतान कराया जाए, जिससे वे रबी फसलों की तैयारी कर सकें। आज ये स्थिति हो गई है, यहाँ आरटीओ ऑफिस है और आवागमन ज़्यादा ही रहता, मगर आज ये हालत हो गई कि यहाँ पैदल चलना मुश्किल हो गया है। फिर रोड का पानी है, रोड को दो महीने हो गए खराब हो गया है। फिर रोड पे गिट्टी वगैरह भी डली है? नहीं, गिट्टी डली है तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाई है इन्होंने, कोई स्थाई काम नहीं किया। क्या नाम है तुम्हारा? जमील मिर्ज़ा। बारिश हो रही है, ये पुलिस अधिकारी की गाड़ी फंसी हुई है। रोड का काम रोज रात दिन कूद रहे हैं, पर बाकी रोड का काम सही ढंग से हो नहीं रहा है। सरकार क्या कर रही है, ये पुलिस की गाड़ी के लिए अभी मैंने ताकत लगे तो आधी गाड़ी बाहर निकाली। जब रोड पे पानी भी बहुत आ गया, रोड पे पानी भी सर बहुत ज़्यादा है, और पुलिस वाले अधिकारी वाले वो एक जो ड्राइवर है उसकी गाड़ी और एक साथ में एक व्यक्ति था उसके से ताकत नहीं ली, तो आधी गाड़ी तो मैंने बाहर निकाल दी। और रोड पे सब ट्रैफिक जाम हो रहा है। क्या गाड़ी फटने का कारण क्या रहा? सर ये रोड दब रहा है और सरकार कुछ कर नहीं रही। कब बना था ये रोड? ये रोड तो बहुत समय होगा सर, तीन चार एक दो महीने पहले ही शायद अभी नया रोड बना था। हाँ नया रोड बना था सर, पर बाकी चार पाँच दिन से काम चल रहा, पर बाकी सब जगह खुद ही कर रहे हैं और ये उसकी सुनवाई नहीं हो रही। सब गाड़ियों धस रही है, सब ट्रैफिक जाम हो रहा है। और ये पुलिस वाले की अभी मैंने मदद करी बेचारे की, तो गाड़ी थोड़ी तो बाहर निकाल दी मेरी ताकत की वजह से। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मुकेश सालवे। जो रोड बना है दो तीन महीने हुए हैं, पर इसमें क्या है मटेरियल भी सही नहीं डाला हुआ है, और एक वो डाल के गया था अभी, उसके बावजूद भी वो गिट्टी डाल के गया था, ना उस पर रोड बना है ना कुछ बनाया हुआ है। ये भ्रष्टाचार का ये आलम है खरगोन में, और जरा पानी नहीं बरसा है, ये हालत हो गई है। रोड एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं? एक्सीडेंट वगैरह होते रहे। हाँ अभी वो गाड़ी फंस गई थी, अभी पुलिस की गाड़ी फंस गई थी, वहाँ पे अपने दो तीन ऑटो फंस गए, और कल का गाड़ी बोले तो फंस गई थी। बहुत कोई ना कोई वहाँ फंसते रहता है। ये अभी काम कब शुरू हुआ था? ये कल हमने दो तीनों जो है तीन दिन। अभी क्या हालत है? हालत तो बड़ी बेकार, आप देख ही रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? संजय गुप्ता।